वॉलेट पर जाएंगे, देन रिटेल पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ अमाउंट डालेंगे 500, मिनिमम 500 रुपये ही डालते हैं ई मित्र पर। तो दोस्तों नेट बैंकिंग से आप डाल सकते हो और एक्रेडिट लेटर से डाल सकते हो, UPI से डाल सकते हो और QR कोड पेमेंट से डाल सकते हो। QR कोड देखो फ़ोनपे से डाल सकते हो, देन पे नाउ करेंगे अपन। उसके बाद ये आपका फ़ोनपे का UPI आ जाएगा। ये देखो दोस्तों, एक तो आप OTP से कर सकते हो और दूसरा फ़ोनपे QR कोड से कर सकते हो। यहाँ पे आप शो QR कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे आप टिक करोगे, देन यहाँ पे पेमेंट डालोगे अपने मोबाइल से। आप QR कोड को स्कैन करना पड़ेगा आपको दोस्तों। तो दोस्तों देखो मैं स्कैन कर रहा हूँ यहाँ पर अपने मोबाइल से, आप भी अपने मोबाइल से कर सकते हो स्कैन। जैसे ही मैं यहाँ से स्कैन करा और मैंने स्कैन कर लिया और पे कर दिया नाउ, और ये मैंने डाल दिए पैसे इसमें, और यहाँ पे रिफिल हो चुका है, सक्सेस दिखाई दिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप देख सकते हो आपका अमाउंट रिफिल हो चुका है सक्सेसफुल। और डैशबोर्ड पर जाएंगे और यहाँ पे वॉलेट पे देखेंगे 852 रुपये आपका वॉलेट में आ चुका है ई मित्र पे। थैंक यू दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें।